लोटस इज द ओनली फ्लावर दैट टीचेस अस वेयर वी रीच इज इम्पॉर्टेंट नॉट वेयर वी कम फ्रॉम. विद सच एन इंस्पिरेशनल थॉट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. आई वेलकम यू वंस अगेन इन द क्लास ऑफ अकाउंट्स. वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 7 कैश बुक एंड इट्स टाइप्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. बिफोर मूविंग टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेट अस गो थ्रू द थियरी फॉर दिस क्वेश्चन. पेटी कैश बुक. द बुक कैप्ट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस इज नोन एज पेटी कैश. छोटे छोटे रोजाना के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की जो जगह होती है, जो बुक होती है, जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं. व्हेन द वॉल्यूम ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेडर कंसर्न और यूनिट देन जनरली टू हेल्प मेन और अचीव कैशियर एंड टू कीप हिम फ्री फ्रॉम मेकिंग पेमेंट एंड रिकॉर्डिंग पेटी कैश और स्मॉल एक्सपेंसेस असिस्टेंट दैट इज पेटी कैशियर इज एम्प्लॉयड. दिस इज द पॉइंट where the business unit is very large or the trader is running his business on a very large volume where his cash and bank transactions are more. So the chief cashier, the main cashier, is very much busy with all important transactions carried out in the business. So here petty cashier is appointed so that he can do all the regular small expenses incurred in the business. तो वो petty cashier की जवाबदारी हो जाती है. वो जो रोजमर्रा के छोटे छोटे payments होते हैं वो petty cashier करता रहता है. The main job of petty cashier is to pay and keep detailed record of petty expenses. वो क्या करता है, payments करता रहता है छोटे छोटे और रिकॉर्ड मेंटेन करता है. पेटी कैशियर इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम बाय द मेन कैशियर एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द सेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर. अब पेटी कैशियर के पास पैसा कहां से आता है, सो द मेन द चीफ कैशियर प्रोवाइड्स हिम द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर ऑल दोज स्मॉल एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय पेटी कैशियर एंड इवन द मेन कैशियर गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेटी कैशियर for the same. Now there are two types of petty cash book. The first one is simple or columnar petty cash book and the second one is petty cash book on impressed system. Today we will go through with the first topic, that is simple or columnar petty cash book. In this type of cash book the petty cashier is given a fixed amount in the beginning. Month ke starting mein hi use पैसा दे दिया जाता है, फिक्स्ड अमाउंट उसका होता है, उतना उसको एक्सपेंस करने के लिए पैसा मेन कैशियर चीफ कैशियर हैंडओवर कर देता है. एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड द मेन कैशियर गिव्स मोर कैश इफ रिक्वायर्ड. ओके, एज आई से यू फॉर द एग्जांपल, मेन कैशियर एट योर होम इज योर फादर हु इज अर्निंग एंड इन द केस वेयर योर मदर इज अ हाउसवाइफ. क्या पापा पूरा टाइम घर पे बैठे होते हैं, नहीं. महीने की स्टार्टिंग में पापा क्या करते हैं, हर रोज के छोटे छोटे खर्चे करने के लिए मम्मी को से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज दे देते हैं. बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है मंथ और 10,000 रुपीज कंप्लीट हो गए हैं. द चीफ कैशियर दैट इज योर फादर अगेन गिव्स मनी टू योर मदर टू रन द हाउस वेरी स्मूथली एंड so that your mother can do the regular expenses. इसके लिए पापा ने और 10,000 या और 5,000 as per the requirement पापा मम्मा को दे देते हैं वो पैसे. so this is in the same manner कि chief cashier provides certain amount at the beginning to petty cashier and also provides required amount to petty cashier as and when required. Okay my dear students, so let us go through and understand what is petty cash book.
Now, students, we will start with question number 10, that is on your page number 188. From the following transactions, prepare petty cash book of Jigar 2015 October 1st. Now, here on first date, opening petty cash balance is given to you people. Now, before that, for petty cash book sums, you are supposed to go through with all the dates given in your question. And as and when there appears different types of expenses, aap wahan par kya karte jayenge, underline karte jayenge, so that you will come to know how many columns you are supposed to draw for this. Now, first is amount received from the chief cashier 1000. Okay, this is not type of expense. Now, transaction dated 3. Wages, to wages ko aap underline karenge. 600 carriage, 400 carriage ko aap wapas se underline karenge. Next is paid for postage and postal. Ye dono ek hi type ke expenses hain. Iske liye postage ko tick karenge. Wages, wages already aapke paas aa gaya hai. Next is paid for stationery, another expenses there. So tick mark this one. Next is paid for TN refreshment. To TN refreshment ko underline karenge. Received from chief cashier, theek hai. Next, iska ye koi expense nahi hai. 15th is miscellaneous expense. Underline this one also. Now this is Mishal, iska personal account वैसे ही बनता है. Now you are supposed to count how many types of expenses columns you are supposed to draw. Number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 different columns of expenses you are supposed to draw. Okay, now I am going to show you the format in which the sum is to be solved. Now, like this way, petty cash book of Jigar for October 2015. Ye dekho, receipt permanent hamesha aayega hi aayega. Date always it will be there. Particulars, voucher number, amount paid. Yahan tak aapka format same rahega. Abhi aapko decide karna hai ye jo particulars of various expenses hain usme kaun kaun se expenses hain. So 1 2 3 4 5 6. Now it is advisable कि जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस आए थे उस सेम पर्टिकुलर ऑर्डर में आप अरेंज करें. वेजेस आया था, कैरिएज, पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प्स था, स्टेशनरी एक्सपेंस था, टी रिफ्रेशमेंट था एंड लास्ट वाज मिसलिनियस. फिर वापस से लेजर फोलियो एंड पर्सनल अकाउंट हमेशा आपका रहेगा ही रहेगा. ओनली द वेरिएशन इन योर पेटी कैश बुक विल बी इन दीज एक्सपेंसेस. से फॉर एग्जाम्पल, आने वाले समय में अगर आपके पास स्टेशनरी नहीं है तो आप स्टेशनरी का कॉलम नहीं ड्रॉ करेंगे. ये सारे कॉलम्स डिसाइड करेंगे आप ट्रांजेक्शन रीड करने के बाद. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ ऑन फर्स्ट डेट इट इज गिवन ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस ऑफ 4000. 4000 का आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है. सो यू आर सपोज टू रिकॉर्ड दिस on the receipt side 4000 rupees. यहां पे आप लिखेंगे 4000 rupees. Okay, date is October 1st. ये क्या है आपका, ये opening balance है. So you will write to opening balance. Okay, am I clear to you people? आपको कैसे करना है ये ओपनिंग बैलेंस आपको नजर आ रहा है. इट इज ऑन रिसीट साइड बिकॉज इट इज अवर बैलेंस. ये हमारे पास पड़ा हुआ है. यहां पे सारे आपके एक्सपेंसेस और आपकी जो पेमेंट्स है वो आएंगे. ऑन दिस साइड इन द कॉलम ऑफ रिसीट्स आपके सारे इनकम्स एंड जो बैलेंस होगा वो आएगा. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगेन इट इज सेम डेट 1. अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर 1000. चीफ कैशियर से आपको 1000 रुपीज मिला है. ओके, नाउ मिला है, इट इज योर इनकम, यू आर रिकॉर्डिंग इट ऑन दी रिसीट साइड. ओके, यहां पे आपने रिकॉर्ड किया 1000. अगेन यू विल पुट द सेम डेट 1. अगर आपने अमाउंट रिसीट साइड लिखा है तो आप यहां पे लिखेंगे 2. ओके, 2 किससे मिला है, चीफ कैशियर. ओके, अकाउंट, चीफ कैशियर अकाउंट. तो बाकी फिर आपने अगर रसीद साइड लिख दिया तो ये साइड आपका कुछ भी आएगा नहीं.
ओके अगर आप पेमेंट बाजू अपना कॉलम फिल करेंगे अमाउंट के लिए तो यहां पे टू की जगह आप लिखेंगे बाय. दिस इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके अगर आपने रिसिप्ट में 4000 लिखा तो आपने लिखा टू ओपनिंग बैलेंस. 1000 रुपीज आपको चीफ कैशियर से मिल रहे हैं, रिसिप्ट से लिख रहे हैं, इसके लिए आपका आएगा टू. एम आई क्लियर टू यू पीपल? नाउ मूविंग ऑन टू ट्रांजेक्शन डेटेड 3. व्हाट इट इज? वेजेस 600 एंड कैरियज ऑफ 400 आर पेड. पेड मीन्स हम पेमेंट कर रहे हैं. अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप बाय लिखेंगे. ओके दिस इज बाय. क्या क्या था आपका? वेजेस अकाउंट एंड कैरियज अकाउंट, दोनों एक ही साथ आप लिख देंगे और डेट आपका आएगा 3. अब कौन सा कॉलम आप लेंगे? आप कॉलम लेंगे वेजेस का, बट प्लीज पे अटेंशन कि आप डेट 3 में ही वेजेस लिखें. वेजेस आपके थे कितने? 600 के और कैरियज था आपका 400 का, तो बाकी में आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं. सो पुट डैश ओवर हियर. ओके अब टोटल अमाउंट पेड, 3 तारीख को आपने वेजेस का 600 और कैरियज का 400 पे किया है, तो टोटल आपने कितना पे किया? 1000. तो ये कॉलम में आपको 1000 लिखना है. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ डेट 5. 700 पेड फॉर पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प्स एक्सपेंसेस. पोस्टेज और पोस्टल स्टैम्प्स दोनों एक ही चीज है. आपने पोस्टेज का कॉलम बनाया हुआ है, आप वहां पे 700 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट है, इसके लिए क्या लिखेंगे? बाय. डेट इज 5. क्या आएगा? बाय पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट. नाउ वेजेस में नहीं, कैरेज में नहीं, पोस्टेज में 700. ओके अब टोटल कितना होगा? टोटल विल ऑल्सो बी द सेम 700. ओके नाउ अगेन बैक टू द क्वेश्चन. ट्रांजेक्शन डेटेड 8. 2000 पेड फॉर वेजेस. वेजेस के लिए आप पे कर रहे हैं, अगेन इट्स योर पेमेंट. सो डेट 8 बाय वेजेस अकाउंट कितना आपने पे किया है? 200. सो इन द कॉलम ऑफ वेजेस 200, तो रेस्ट में क्या आएगा आपका? निल, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं. अगेन इन द कॉलम ऑफ टोटल 200. बैक टू द क्वेश्चन. 400 पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस. डेट 10 को आप क्या कर रहे हैं? स्टेशनरी एक्सपेंस पे कर रहे हैं. सो डेट 10 बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट. हाउ मच वी हैव पेड? 400 एक ही है, तो टोटल में भी 400, वेजेस नहीं, कैरियज नहीं, पोस्टेज नहीं, स्टेशनरी 400. ओके नाउ ऑन डेट 12 व्हाट इट इज? 150 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस. 150 रुपए आपने टी एंड रिफ्रेशमेंट के पे किए हैं. सो डेट 12 बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट. हाउ मच यू हैव पेड? 150. टोटल में भी 150. जब तक टी एंड रिफ्रेशमेंट आपका नहीं आता आप नहीं लिखेंगे. ओके टी एंड रिफ्रेशमेंट में 150 एंड हियर मिसलिनियस में भी डैश. ओके नाउ डेट 14. 500 रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर. 500 रुपए आपको चीफ कैशियर से मिले हैं. मिले हैं आप कहां रिकॉर्ड करोगे इसे? रिसिप्ट साइड में. रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे डेट 14. यहां पे आया 14. 500 रुपीज इन द कॉलम ऑफ रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स में आप 500 रुपए दिखाएंगे. यहां पे बाय आएगा कि 2. यू आर रिकॉर्डिंग ऑन द रिसिप्ट साइड. आप लिखेंगे 2. किससे मिला है? चीफ कैशियर अकाउंट. ओके यहां पे आप कुछ भी फिल करेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज पेमेंट साइड और हमने रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर दिया है. नेक्स्ट इज डेट 15. मिसलिनियस एक्सपेंस पेड 500. मिसलिनियस एक्सपेंस आपने पे किया है 500 का. ऑन डेट 15
एक्सपेंस है, बाय आएगा, बाय मिसेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं आप? 500, टोटल में भी 500। जब तक आपको मिसेलेनियस नहीं दिखता, आप नहीं लिखेंगे। इन द कॉलम ऑफ मिसेलेनियस एक्सपेंस आप लिखेंगे 500। डेट सिर्फ ध्यान रखना, 15 के सामने आपको 500 लिखना है। मूविंग ऑन टू लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज ऑन डेट 17, 400 गिवन टू मिशाल फॉर द पेमेंट ऑफ मिसेलेनियस एक्सपेंस। हमने किसको दिए हैं? हमने पर्सनल बंदे को दिए हैं, मिशाल को हमने दिए हैं। क्या पेमेंट करने के लिए? मिसेलेनियस पेमेंट करने के लिए। बट हम दे किसको रहे हैं? मिशाल को दे रहे हैं। इसके लिए रिकॉर्डिंग होगा पर्सनल में, और हम डेट लिखेंगे 17 एज इट इज गिवन, 17 बाय किसको दिया आपने? मिशाल को, बाय मिशाल अकाउंट। कितना है? 400, टोटल में भी 400। सारे एक्सपेंसेस में यहां पे आप नहीं लिख के पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट में डेट 17 के सामने 400। ओके, इज दिस क्लियर टू यू पीपल? नाउ एज एंड व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रांजेक्शंस, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू? नाउ डू द टोटलिंग्स ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस का टोटल जो है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, पहले आप टोटलिंग कर दें एक्सपेंसेस का। कितना एक्सपेंस का टोटल आ रहा है आप सारा कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल टर्न अप टू 3350, दैट इज 3350। ओके, अब आप डेबिट रिसीट साइड का टोटल करेंगे। इसका टोटलिंग थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4000 प्लस 1000 प्लस 500, वो कितना होगा? 5500। आप ध्यान देंगे मेरे कॉलम्स को, जैसे ही मेरा 17 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, मैंने यहां पे टोटलिंग्स की लाइन कर दी है, और दो लाइंस के बाद मैंने लास्ट फाइनल टोटल का कॉलम रखा है। मेरा ये फाइनल का टोटल जो है, दैट शुड बी पैरेलल इनफ। ओके, अब मैं यहां पे लिखूंगा 5500, सेम आप 5500 यहां पे भी लिखेंगे। ओके, एंड अभी आपको क्या करना होगा, ये आपका रिसिट साइज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर पेमेंट्स। आपके रिसिट्स का टोटल कितना था? 5500, और आपके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 3350। डिडक्ट करके इसका रिमेनिंग बैलेंस निकाल देंगे आप, दैट इज 2150। ये आपका क्या है? फाउंड आउट किया हुआ फिगर है, आपका डिफरेंस है, इसमें से इसको आपको माइनस करना है। ये जो है, दैट इज ऑन डेट 17 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये आपका कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस होगा। लास्टली आपको क्या करना होगा, सबका इंडिविजुअल का टोटलिंग्स, वेजेस में 600 प्लस 200, दैट इज 800, 400, 700, ये सारे इंडिविजुअल हैं, इसका टोटलिंग वेरी इजी। नेक्स्ट इज 150, 500 एंड 400। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? अब आपको क्या करना होगा, ये जो कैरीड फॉरवर्ड वाला बैलेंस है, वो आपको ब्रॉड फॉरवर्ड करना होगा। ओके, नाउ दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हमें इसको वेरी नेक्स्ट डे यहां पर ओपनिंग बैलेंस बनाना होगा बाय रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट डेट, दैट इज 2015 अक्टूबर, डेट विल बी योर 18। यहां पे आप इस बैलेंस को लेकर आएंगे 2150 को, यहां पे रिसिट साइड लिखेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, दिस वॉज योर सिंपल कॉलमनर पेटी कैश बुक। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ योर टूडेज टास्क इज क्वेश्चन नंबर 10, विच आई हैव टॉट यू राइट नाउ, प्लस सिमिलर टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन इज देयर इलस्ट्रेशन नंबर 9। थैंक यू स्टूडेंट्स।